आपके अपने चैनल व्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज अपनी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया एक बहस छिड़ रखी है कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुआ और इंडिया कहाँ पहुंची और पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया, तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो देखते हैं। हम देख रहे हैं कि आलमी मईशत को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। इंडिया एंड पाकिस्तान हमने दोनों ने कटे शुरू किया था। मुल्की मसाइल चाहे वो माशी हो, सियासी हो, माजी हो, खारजी हो, माशर्ती हो, इन सब से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। इंडिया इज ए रीजन, इंडिया के पास बड़ा स्टेटस है, इसमें कोई शक नहीं है। लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन, मॉस्को हमें जो है ना वो बताते थे क्या करना है। आज इंडिया जो है वो स्टेटस पर चला गया है कि लंदन, पेरिस एंड जो वॉशिंगटन है वो इंडिया को नहीं बता सकते। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बहुत तनव्वो है, गिरोही तौर पर लिसानी, मजहबी। आज के डेट में मॉस्को, फ्रांस, जर्मनी कोई इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। इट इज एज ऑन डेट मुश्तरका पाकिस्तान को आज के पाकिस्तान में तब्दील किया और मुल्क का आधा हिस्सा जो है उसको गंवा दिया। बहुत अरसे से दो ममालिक के दरमियान मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान और भारत की, और वो मसला क्या है खालिद साहब, आप बखूबी जानते हैं, UNGA में भी उसकी गूंज सुनाई दी। मैं मकबूजा कश्मीर के मसले की बात कर रही हूँ। यहाँ रवाबित आपस में ममालिक को बढ़ाने हैं, तिजारत आपस में ममालिक को बढ़ानी है। एक तरफ तो अमेरिकन जो है वो इंडिया को बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, उनका ये तरीका कार है काम करने का, और फिर उनसे हजम भी नहीं हो रहा कि इंडिया जो है वो ऊपर आ रहा है। तो जरा एक तरीके से जिस तरह जयशंकर साहब ने मीडिया को कह दिया कि आप अपने लिफ्ट नहीं सही कराते, तो आप कैसे समझ देंगे कैरेट एंड स्टिक में, ये कैसे आप इसको एनालाइज करें? देखिए चीवा साहब, एज यूजुअल बहुत बेहतरीन सवाल आया आपका। पहली बात जो हमें समझने की यहाँ पे, नहीं ये कैरेट एंड स्टिक है, नहीं ये कुछ और, ये वही चीज़ है जो मैं आपके शो पे करीब एक दो साल से कह रहा हूँ। इसे कहते हैं पिन प्रिक डिप्लोमेसी, थोड़ी पिन यहाँ चुबा दो, थोड़ी पिन यहाँ चुबा दो। कैरेट और स्टिक होता, स्टिक होता डंडा, डंडा बड़ी चीज़ होती है। कैरेट की हमें ज़रूरत नहीं, कैरेट खरगोशों को दी जाती, खरगोश यानी शेयर कैरेट नहीं खाता। हाँ, ये जो पिन प्रिक वाली डिप्लोमेसी की US जरूर प्रैक्टिस करता है, और हर एक डिप्लोमेट। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, वीडियो छोटा था लेकिन बड़े मजेदार है, कारण कि पाकिस्तान इंडिया आपस में कंपेयर करना चाहता है। कंपेरिजन का कोई सवाल ही नहीं है, 75 साल में दोनों देश ने आज़ादी ली है, 75 साल पूरे होने के बाद इंडिया यहाँ पहुँच गया है और पाकिस्तान ये हो गया। कारण मेंटेलिटी, आदमी की सोच जो होती है उसमें सब निर्भर करती है। पाकिस्तान में सिर्फ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, आदमी जो अच्छे हैं बहुत ही अच्छे हैं वहाँ पर, लेकिन कुछ के कारण पाकिस्तान पूरी दुखी। सियासत तो अपने निकार है, कोई तरक्की नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में बाढ़ आई तो देख रहे हैं क्या हालत है वहाँ पर, सिचुएशन क्या है, उसमें भी करप्शन है, अमेरिका पैसा दिया उसमें करप्शन कर दिया। तो दोस्तों ये सब बातें चल रही है पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान का हाल तो ऊपर वाले ही जानता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।